ब्रेक के बाद स्वागत है। खेल मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितने की शारीरिक फिटनेस के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने पहुंचे युवा खिलाड़ियों का भी ये मानना है कि ये खेल उन्हें फिटनेस के साथ साथ बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका दे रहे हैं, साथ ही उनकी पढ़ाई में भी उन्हें काफी फायदा पहुंचा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स न केवल प्रतिभाओं को निखार कर सामने लाने का काम कर रहा है बल्कि इनका फायदा खिलाड़ियों को अपनी पढ़ाई में भी मिल रहा है। अच्छे खान पान, फिजिकल एक्सरसाइज और कंसंट्रेशन के दम पर खिलाड़ी अपने आप को निखारने में लगे हुए हैं। दिल्ली की निशानेबाज कामाक्षी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। वे मानती है कि निशानेबाजी के खेल से न केवल उन्हें बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका मिला है बल्कि उनकी पढ़ाई में भी उन्हें काफी फायदा पहुँचा है। मैं 10th में थी जब मेरी मदर ने बोला कि तेरे बोर्ड जा रहे हैं और फोकस थोड़ा कम है, तो उन्होंने मेरे को करिकुलम में एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए जिससे मेरा फोकस इंक्रीज़ हो, उन्होंने मेरे को उनकी कलीग ने उनको रेकमेंड किया था, तो उन्होंने मेरे को शूटिंग में डाला कि मेरा फोकस इंक्रीज़ हो। बट मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं जो मेरा सिर्फ फोकस नहीं इंक्रीज़ कर रही है बट मेरे को बहुत चीज़ों में हेल्प कर रही है। वहीं पंजाब के रोपड़ की रहने वाली सिमरनप्रीत कौर बरार ने शूटिंग को शौक के रूप में शुरू किया और आज उन्हें भारत की तरफ से इतनी छोटी सी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका मिला जहां उन्होंने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल हासिल किया और अब उनकी नज़र खेलो इंडिया के मंच को अच्छे से इस्तेमाल करने की है। खेलो इंडिया के स्कीम जैसे ये बड़ा ही ग्रेट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से और ये एक नेशनल स्कीम है जिसमें मेरा काफ़ी एक तो परफॉर्मेंस इन्हेंस हुई और एक कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और मेरे पिछले 2022 में दो इंटरनेशनल में एक में गोल्ड और एक में सिल्वर था और एक में पार्टिसिपेशन थी। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया के साथ साथ फिट इंडिया कैंपेन की भी शुरुआत की थी, साथ ही पौष्टिक आहार को लेकर एक सफल कैंपेन भी चलाया। इन सभी का मकसद देश के युवाओं को स्वस्थ बनाना है ताकि वे पढ़ाई और खेल सहित हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर सकें और देश का नाम रोशन करें। दिल्ली टीम के कोच ओम प्रकाश चौहान और संगीता मानते हैं कि सरकार ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी आज हर ओर तारीफ हो रही है। इन खेलों के जरिए हर साल नए ऊर्जावान खिलाड़ी सामने आ रहे हैं जो भारत के खेलों की महाशक्ति बनने की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये छोटे बच्चों के लिए इन्होंने शुरू किया जो भारत सरकार ने, और बच्चों में एक जोश है कि हम एक नेशनल लेवल्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतियोगिता में भाग लेके बड़ा अपने आप को खुश हो रही है कि एक इतने अच्छे लेवल का एक नेशनल्स गेम जो खेलो इंडिया हो रहा है यहाँ पर और उसमें पार्टिसिपेट्स कर रही हैं और बच्चों को बहुत ही मोटिवेशंस मिल रहा है इसमें जो है। तीन लड़कियाँ उन्हें रिप्रेजेंट किया है दिल्ली को, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लड़कियाँ आई हैं और दिल्ली से हमारे पास लड़का उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाया कोई भी, और लड़कियाँ तीन तीन आई हैं। देखिए अगर ये सिलसिला इसी तरह से सुचारू रूप से जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ग्रास रूट लेवल पर चल रहे इस काम का देश को ओलंपिक जैसे खेलों में जबरदस्त फायदा होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तमाम राज्यों से आए खिलाड़ी जो राजमाइश कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, साथ ही साथ ये खेल जो है वो महिलाओं के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं जिनके लिए खेलों में पहले पार्टिसिपेट करना मुश्किल था, अब इन खेलों के जरिए वो ना केवल यहाँ पर अपना परचम लहरा रहे हैं बल्कि उनका विजन भी बढ़ा है और साथ ही साथ इन खेलों का उनको स्टडीज में और उनकी आम जिंदगी में भी काफ़ी फायदा मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी एक विजन के तहत अब आगे बढ़ रहे हैं और इन खेलों का जो मेन मकसद था ग्रास रूट लेवल को स्ट्रांग करना वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है और जिनसे भी हमने बात करी उनका लक्ष्य है देश के लिए तिरंगा लहराना और ओलंपिक में झंडा बुलंद करना। कैमरा मजीद के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ भोपाल। मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी में इंदौर भी शामिल है और इंदौर में स्थित अभय प्रशाल स्पोर्ट्स क्लब में इन दिनों खेलो इंडिया के तहत